पंजाब पार्टी के प्रधान सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन किया। अपना पंजाब पार्टी प्रमुख सुच्चे सिंह छोटेपुर ने कहा है कि महागठबंधन की संभावना पूरी तरह से बरकरार है। 1 अक्टूबर को अपना पंजाब पार्टी के ऐलान के बाद अब सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने 2017 चुनावों के लिए कमर कस ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चंडीगढ़ में पार्टी की पहली मीटिंग की। मीटिंग में पंजाब के सभी जिलों के प्रधानों के नाम तय किए गए और गुरुवार को मैनिफेस्टो और अनुशासन कमेटी का भी ऐलान किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बना रहे हैं, उनके बारे में बातचीत हुई है और लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट फाइनल हो गए हैं और कल को मैं सभी जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनको बुलाऊंगा और सभी को नियुक्ति पत्र कल को दे दिया जाएगा। वहीं सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने महागठबंधन बनाने की ओर भी इशारा किया। छोटेपुर ने कहा कि सभी पार्टियों को इकट्ठा कर एक प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने उन पार्टियों को चुनौती दी जो उनको हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। महागठबंधन की बात चलेगी, ये तो हमारी पार्टी की मीटिंग है, हम उनसे भी मीटिंगें करेंगे, उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है सभी के साथ डिस्कस होगा, मैनिफेस्टो सभी पार्टियों का अपना अपना बनेगा और बैठ के जो कॉमन बातें होंगी वो उस पर साइन करेंगे और उस पर अमल करेंगे। पार्टी को जिताने के लिए लाएंगे और आपने देखना ये सब बड़े लोग हैं, गलतफहमी में हैं, इनके बड़े बड़े नाम हैं इनके पास, ये सोचते हैं कि कोई चौथी पार्टी आ ही नहीं सकती, इनके पास पैसा नहीं होगा, इनके पास फेस नहीं होगा, इनके पास ये नहीं होगा, इनके पास वो नहीं होगा। इनको पता तब चलेगा जैसे जब आम आदमी पार्टी आई थी तो उनके पास भी कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी में दरार पड़ने के बाद सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने परिवर्तित यात्रा के बाद अपना पंजाब पार्टी बनाने का फैसला किया था। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी भी उनके साथ आ सकते हैं। इसके साथ ही वाम पंथियों के साथ भी बातचीत चल रही है। सुच्चा सिंह छोटेपुर को उम्मीद है कि सिद्धू पंजाब का भला सोचने वालों का साथ देंगे। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ अमन कपूर, जी मीडिया।